शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बिरजू, अब्दुल कह रहे थे राजा रात भर घर नहीं लौटा। हाँ वही, सोच सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है। हाय गैया, जब जवान लड़का रातों को घर से गायब रहने लगे तो समझ लो नदिया में बाढ़ आ गई। अरे चुप कर पागल, जब देखो नाप सुना बकता रहता है। तुमने राजा का फैक्ट्री में पता करवाया? हाँ काकी, वो कल वहाँ काम पर भी नहीं गया था। ओए बाबा, दिन में काम पर नहीं गया, रात में घर नहीं पहुँचा, फिर गया कहाँ? मैं बताती हूँ, रात भर वो मेरे साथ था। देखी तू और अपने राजा की रानी। अब आप पूछेंगे कैसे घटी ये कहानी, तो काकी ये बात है 2 साल पुरानी। ओए बाबा, तुम राजा को 2 साल से जानता? हाँ, हमारे दिलों की गाड़ी प्यार की पटरी पर 2 साल से दौड़ रही है, लेकिन कल रात को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, 2 गाड़ियों का नहीं, 2 निगाहों का, 2 दिलों का। वो कैसे? रात का वक्त, तूफानी बारिश, पुराना खंडर, हम दोनों सर्दी से कंपा रहे थे। राजा ने किसी तरह आग जलाई, एक तरफ आग जल रही थी, दूसरी तरफ हम जल रहे थे, और दूर कहीं वो गाना बज रहा था। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए तराना। चुप हुए 25 ग्राम। फिर क्या हुआ बहना? फिर क्या? फिर उसने मुझे तिलक कुमार स्टाइल में देखा, मैं वैजयंती माला की तरह मुस्काई। फिर उसने राजेश खन्ना की तरह मुझे आंख मारी, मैं शर्मिला की तरह शर्माई। फिर उसने अमिताभ की तरह मेरा हाथ पकड़ा, मैं रेखा की तरह कसम साई। देखते ही देखते उस पर शत्रु सवार हुआ, मैं रीना की तरह घबराई। उसने धर्मेंद्र की तरह मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मैं हिमा की तरह सटपटाई, तड़पटाई, छटपटाई। लेकिन अरे लेकिन क्या हुआ? यानी डिंग डॉंग हो गया। हाँ। और सुबह होते ही वो मुझे प्रेम चोपड़ा की तरह छोड़कर चला गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अगर राजा ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मार डालूंगी अपने आप को, बिना पति के सती हो जाऊंगी, मैं मार डालूंगी अपने आप को। अरे मैं अपने आप को मारी हूँ, कोई देख नहीं रहा? देखो मैं अपने आप को मारी हूँ। तू क्या कर रही है मेरी बच्ची? अब मैं जीकर क्या करूंगी काकी? नहीं बेटी, तुझे जीना होगा। राजा भैया आ गए। आने दो उसे, उसे मैं आज ठीक करती हूँ। काकी, ये आपका घरेलू मामला है, आप ही सुलझाइए, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, तू जा। प्रणाम राजा भैया। क्या बात है, बड़े फ्रेश लग रहे हो। फ्रेश लग रहा हूँ तुझे मैं, फ्रेश लग रहा हूँ तुझे मैं। अरे रात भर में तेल निकल गया मेरा। हाँ मालूम है मालूम है, कहाँ तेल निकल कर आ रहे। अरे जाना जाना यार। हाँ जा 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 अंदर, तेरे बच्चा कुछ सारा तेल निकलने वाला है, माटी मिले। आ गया मुंह काला करके। हे भगवान, इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं रात भर हवालात में बंद था? मतलब आप लोगों को पता चल गया मैं रात भर कहाँ था? अरे पता ही नहीं चला, पूरी रिपोर्ट आ गई है। देखो काकी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे तो उस लड़की ने फंसाया था। हाँ, इसको वो लड़की ने फंसाया होगा। अरे चुप कर, दूध पीता बच्चा है ये, उसने फंसाया, ये फंस गया। शर्म नहीं आई तुझे उसकी इज्जत से खेलते हुए? अरे छोड़ो ना काकी, उसकी काय की इज्जत, इज्जत तो मेरी खराब हुई है। अरे वाह, फल खुद खाया और छिलका दूसरों पे फेंक रहा है। अरे क्या फल की बात करते हो, वहां तो बासी रोटी तक नहीं मिली, रात भर भूखा सोया हूँ लॉकअप में। हाँ हाँ काकी, लॉकअप में। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उस लड़की से नहीं कहा कि आई लव यू, बस इसलिए फंसवा दिया उसने मुझे। माँ कसम काकी, अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना तो वो हशर करूंगा कि आईने में शक्ल नहीं पहचान सकेगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। गुस्सा थूको, पानी पी लो। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? काकी यही है वो लड़की जिसने मुझे फंसवाया था, बता
बता के सच्चाई क्या है, नहीं, बोल नहीं, बोल नहीं तो देता है। बताती हूँ, मैंने आप लोगों से जो कुछ भी कहा सब झूठ था। सच तो ये है कि मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करता। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। अब मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हम भी अपनी उंगली टेढ़ी कर देते। ए, अपनी उंगली को काबू में रखो और निकलो यहाँ से। चलो चलो, और तुम भी चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। ए, धक्का मत मारना, भेड़ अपनी क्या? ए भेड़ के टके, अपनी भेड़ को संभाल और राखी बनवा। और तू किधर चली? चल चल बाहर निकल, तू चल चल।